हिमालय में शिविर करना, वहाँ रहना, शिविर होता नहीं वहाँ का जीवन। हम स्वयं ही ऐसे रहते हैं कि न हमारे खाने का ठिकाना रहता न रहने का ठिकाना, हम दूसरों के लिए कहाँ से व्यवस्था बनाए। अच्छा, सुविधा चाहिए सबको, सुविधा का मतलब साधना कहाँ से होगी? कि हम लोग तपना पड़ता है ना, साधना का अर्थ है तपस्या। यज्ञ तप दान से पावनानि मनीषिणः, तो यज्ञ तप है, दान है। तो जब तपने की बात आती है तो वहां पर सब लोगों को, आप देखो यहाँ पर लोगों के लिए कूलर की व्यवस्था करनी पड़ रही, तो व्यवस्था चाहिए। ठंडी के दिनों में गर्म कपड़े व्यवस्था करना पड़ता है। यहाँ पता चला कभी ठंड लग गई, या कभी कुछ हो गया, एकांत में रहना है कभी, तो लोगों का विश्वास नहीं होता। यहाँ तो हम लोग जब पहाड़ों में जाते हैं, हिमालय में जाते हैं, उन साधना करते हैं, तो सब महादेव पे छोड़ देते हैं, उनकी इच्छा भाई कैसे व्यवस्था करना है। अगले क्षण क्या हुआ कुछ पता नहीं चलता। इतना विश्वास जिसके अंदर हो उसको साधना करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसकी साधना फिर स्वतः होने लग जाती है। देव शक्तियां फिर ऐसे लोगों को अपने आप खींच लेती है।